शहर में संगठन को मजबूत करने और न्याय यात्रा को सफल बनाने नए शहर अध्यक्ष ने ली पहली बैठक। पार्टी के कई बड़े नेता रहे मौजूद। संगठनात्मक रूप से कमजोर कांग्रेस पार्टी में नई जान फूंकने का प्रयास किया जा रहा है। नवनियुक्त शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने पहली बैठक ली जिसमें पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान शहर अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन लेकर शहर में नई ऊर्जा के साथ पार्टी को खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए हर वार्ड में बैठक आयोजित की जाएगी और वहाँ पर एक अध्यक्ष चुना जाएगा और जब वार्ड स्तर में संगठन मजबूत होगा तो किसी तरह की काम करने में समस्या नहीं आएगी। बैठक में 2 जून को रीवा आ रही न्याय यात्रा के आयोजन के लिए नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी के अंदर एकता कायम करने के प्रयास किए जा रहे हैं जो नाकाफी साबित हो रहे हैं। इस बैठक में भी गुटबाजी साफ नजर आई और अमैया से जुड़े कई नेता बैठक में नहीं पहुंचे। मैं नहीं कह रहा कि 50 लाएं, 5 ला लेंगे वही बहुत हो जाएगा क्योंकि कांग्रेसी रीवा में बहुत है। और एक ये सुझाव है कि जैसे वार्ड में और हर जगह, मैं ये नहीं कहता कि सबको जोड़िए, जिसका चेहरा देखा अपना अपना खास खास नहीं, जिसके अंदर थोड़ा सा भी कांग्रेस की विचारधारा है, चाहे 1 जुड़े, 2 जुड़े, 5 जुड़े, 100 ना जोड़िए। मैं नहीं कहता 100 जोड़ के लिस्ट बना के समा दीजिए कि हमने 800 जोड़ा, 1000 जोड़ा, बहुत ज़्यादा जोड़ लिया, बड़ी खुशी हुई कि 800 आज जोड़ के निकल गए। 5 लोग जोड़िए, पर 5 लोग जोड़िए कांग्रेस के विचारधारा वाले जोड़िए।